दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति के मन की बातों को पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी आंखों को अच्छी तरह से नोटिस करें, क्योंकि आंखें मन का द्वार होती हैं। ऐसा मैंने अपने टॉपिक बॉडी लैंग्वेज के पार्ट 1 में बताया था। गुड मॉर्निंग दोस्तों, विश यू अ वेरी हैप्पी डे। तो चलिए दोस्तों, इधर इधर की बातें ना करके आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक बॉडी लैंग्वेज पार्ट 2 की तरफ, जिसमें आप किसी भी व्यक्ति के फेस एक्सप्रेशंस को देखकर जान पाएंगे कि उसके मन में क्या बात चल रही है। दोस्तों, ज़्यादातर लोग बात करते हुए अपने फेस एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ताकि सामने वाला व्यक्ति उसके मन की बात को ना समझ पाए। तो जब भी आप सामने वाले को जानना चाहते हैं तो उसकी स्माइल को देखिए। स्माइल को देखकर आप जान पाएंगे कि उसके मन में क्या चल रहा है। चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फेक वर्सेस रियल स्माइल। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करते वक्त खुश है या आपकी बातें उसको अच्छी लग रही हैं तो वह दिल से हंसेगा, और दिल से हंसने का मतलब उसके फेस के सारे पार्ट्स उसमें शामिल होंगे, जैसे लिप्स, आँखें या पूरा चेहरा उसका खिल उठेगा, यानी रियल स्माइल। इसके विपरीत यदि उसकी हंसी नकली होगी तो सिर्फ और सिर्फ उसके लिप्स ही उसमें शामिल होंगे, पूरा चेहरा नहीं या आँखें नहीं, तो वो कहलाई जाएगी नकली हंसी, जिसे हम कहते हैं फेक स्माइल। तो इससे आप पता लगा लेंगे कि वो फेक स्माइल हंस रहा है या रियल स्माइल। दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल है क्रिंकल, यानी हंसने से सच्ची हंसी हंसने से आँखों के कोने में लाइंस पड़ना। जी हाँ दोस्तों, आप सामने वाले की स्माइल से पता लगा सकते हैं कि उसे सच में हंसी आ रही है या वो दिखावा कर रहा है। किसी को आपकी बात सुनकर अगर सच में हंसी आएगी दोस्तों, तो उसके आंखों के साइड में कोने में क्रिंकल पड़ेंगे, इस तरह से जैसे मैं सच में हंस रही हूँ। तो देखिए, मेरी आंखों के कोने में ये लाइंस पड़ गई हैं, इन्हें कहते हैं क्रिंकल। तो अगर वो सच में हंस रहा है तो उसकी ये क्रिंकल ज़रूर पड़ेंगे, लेकिन इसके विपरीत अगर वो दिखावा कर रहा है और सच में नहीं हंस रहा, तो हंसते हुए भी उसकी आंखों में किस कोने में क्रिंकल नहीं पड़ेंगे, जैसे देखिए, पड़े क्रिंकल नहीं। तो इससे आप समझ जाएंगे कि सामने वाला आपकी बातों में इंटरेस्टेड है या नहीं। थर्ड एग्जांपल, हाइड रियल फीलिंग्स। जी हाँ दोस्तों, असली हंसी ये बताती है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे बात करके बहुत एंजॉय कर रहा है, और एक नकली हंसी ये बताती है कि सामने वाला असली फीलिंग छुपा रहा है और आपकी बात में बात को लेकर एंजॉय नहीं कर रहा। फोर्थ एग्जाम्पल, डिससेटिस्फाइड एंड अंडर एस्टिमेट। जी हाँ दोस्तों, यदि आपसे बात करने वाला व्यक्ति एक या दो सेकंड के लिए ही हंसता है तो या स्माइल करता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपसे ना खुश है, यानी डिससेटिस्फाइड, यानी कि ऐसे। और इसके विपरीत यदि वो सामने वाला व्यक्ति आपसे बात करते वक्त होठों को हाफ स्माइल करता है, यानी कि सिर्फ टेढ़ा ही फैलाता है, एक तरफ से ही स्माइल करता है,
तो इसका मतलब होता है कि वो आपकी बात को अंडर एस्टिमेट कर रहा है, यानी कि तुम्हारी बात का मुझे कोई विश्वास नहीं या मुझे तुम्हारी बात की कोई परवाह नहीं, यानी कि इस तरह से, राइट। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि सामना वाला व्यक्ति आपसे बात भी करने में इंटरेस्टेड है या नहीं। लास्ट एग्जाम्पल, डिसएग्रीमेंट एंड डिसअपॉइंटमेंट। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं हम अपने लिप्स की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है स्माइल करने में। हमारे लिप्स क्या कहते हैं? आपसे बात करते वक्त सामने वाला व्यक्ति अगर अपने होठों को अंदर की ओर दबा लेता है तो यह उसकी इससे यह पता लगता है कि वह डिसएग्रीमेंट है, यानी कि इस तरह से, यानी कि उसने अपने लिप्स अंदर कर लिए, तो यानी कि वो डिसएग्रीमेंट है, यानी कि वो आपकी बातों से एग्री नहीं है। इसके विपरीत अगर सामने वाला व्यक्ति अपने लिप्स बाहर निकालता है तो यह डिसअपॉइंटमेंट दर्शाता है, यानी कि इस तरह से, इस तरह से, यानी कि डिसअपॉइंटमेंट कि यार तुमने मुझे ना परेशान कर दिया, इस तरह से। तो आजकल दोस्तों इसी तरह से कभी आँखों के माध्यम से या फेस एक्सप्रेशंस के माध्यम से ही लोग आजकल ज़्यादा व्यक्त करते हैं, वो शब्दों का इस्तेमाल कम करते हैं, यानी शब्दों के माध्यम से वो आपको यह नहीं दर्शाना चाहते कि हमें आपकी बात पसंद नहीं, क्योंकि आजकल लोग बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं। तो यही चीज़ है, पार्ट वन में मैंने आपको आईज एक्सप्रेशंस बताए और पार्ट टू में फेस एक्सप्रेशन बताए। अगर आप आगे के पार्ट से पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो स्टे ट्यून्ड माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल गेट मोटिवेटेड शिखा। तो चलिए सुनते हैं एक सच्ची घटना, जी हाँ, प्रभु कृष्ण की भक्ति में विश्वास। जी हाँ दोस्तों, इस घटना से ये पता चलता है कि हमें भगवान पर थोड़ा सा तो विश्वास करना चाहिए, अपनी भक्ति पर, कि थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए, प्रभु ज़रूर हमारी मदद करते हैं। तो चलिए सुनते हैं घटना। एक बार श्री कृष्ण भोजन करने बैठे, उन्होंने एक दो टुकड़े ही खाए थे कि वो एकदम जिज्ञासा के साथ उठे और दौड़ के द्वार तक गए, पर कुछ ही समय में वापस मुंह लटकाते हुए आकर बैठ गए और भोजन करने लगे। रुक्मणी ने पूछा, क्या हुआ प्रभु, बड़ी तेजी के साथ आप द्वार तक गए और वापस आए तो उदास होकर, क्या हुआ? तो कृष्ण ने बोला कि मेरा एक भक्त, फकीर भक्त है, वो एक तारा बजाता है और मेरे नाम की धुन बजाते हुए मस्ती से झूमता है। आज भी वो जा रहा था झूमते हुए और मेरे नाम की धुन बजाते हुए एक तारे पर, तो लोग उसको पागल समझते हैं, उस पर पत्थर फेंक रहे थे, तो मैं उसकी मदद करने के लिए भागा पत्थर फेंक रहे थे तो मैं उसकी मदद करने के लिए गया लेकिन वापस आ गया। परंतु क्यों? रुक्मणी बोली, परंतु क्यों प्रभु, आप वापस क्यों आ गए? तब कृष्ण ने कहा कि अब उसको मुझ पे भरोसा नहीं, क्योंकि उसने अपना इक तारा को फेंका और पत्थर उठा लिया उस और लोगों को वापस मारने के लिए, इसलिए मैं उदास हूँ। तो दोस्तों, हमें अपनी भक्ति पर विश्वास होना चाहिए और कृष्ण तो दौड़े चले आते हैं अपने भक्तों के लिए। तो अपने प्रभु पे विश्वास रखें और भक्ति करते रहें। थैंक यू दोस्तों, ओम शांति।